हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली अवर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स. थ्री मेन टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर एंड सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, सो हम इन इस टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे आज. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि है टू साइडेड एरर. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अकाउंट्स के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हमारी दो एंट्रीज होती हैं, एक तो होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है बेटा क्रेडिट, और दोनों ही अकाउंट्स हमारे अफेक्ट होते हैं. दैट मीन्स जो अकाउंट कहीं ना कहीं आपका डेबिट होगा वो आपका डेफिनेटली उस अमाउंट से क्रेडिट होगा ही होगा. ठीक है, सो ये हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था. सो इसी तरह की अगर हमारी कोई ट्रांजैक्शन रॉन्ग हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे. लाइक एग्जांपल के तौर पे हम लेकर चल रहे हैं कि क्रेडिट सेल टू अरुण वॉज नॉट रिकॉर्डेड ऑफ रुपीज 1000. दैट मीन्स कि आपने अरुण को 1000 रुपीज का जो गुड्स है वो सोल्ड आउट किया है, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया. ठीक है, दैट मीन्स रिकॉर्ड कर लेंगे अगर रिकॉर्ड नहीं किया है तो. सो रिकॉर्ड करने की हमारी नॉर्मल एंट्री होती है क्योंकि हमने अरुण को सामान बेचा है, दैट मीन्स ये हमारा डेटर होगा. आज नहीं तो कल हमें अरुण से रुपीज रिसीव होंगे. ठीक है, सो अरुण क्या होगा बेटा, डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट. दैट मीन्स अरुण को हमने गुड्स बेचा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट एंड अरुण अकाउंट डेबिट. इसी तरीके से अगर हम अपना एक और एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं बेटा, जैसे कि गुड्स रिटर्न टू चारू वॉज नॉट रिकॉर्डेड, कि हमने कोई चारू कोई भी एक पर्सन है जो कि सप्लायर है बेटा, तो सप्लायर को हमने जो है गुड्स रिटर्न कर दिया. अब देखो बेटा, यहां पर हम खुद गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, सो हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने कभी ना कभी चारू से गुड्स खरीदा होगा, परचेज किया होगा. दैट मीन्स परचेज किया हुआ गुड्स जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आपका क्या एंट्री बनेगी बेटा, परचेज रिटर्न. ठीक है, सो परचेज रिटर्न की जो आपकी एंट्री बनेगी, आपको पता है परचेज का बैलेंस अगर हमारा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और हमने किसको सोल्ड आउट किया बेटा, चारू को. दैट मीन्स हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. रुपीज 1000 से हमारी जो एंट्री है वो रिकॉर्ड हो जाएगी. सो बेटा ये थी आपकी टू साइडेड एरर, जिसके अंदर हमारे दोनों ही अकाउंट जो है इंपैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपका डेबिट बैलेंस हो चाहे वो आपका जो है क्रेडिट बैलेंस हो. ठीक है, सो इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है वन साइडेड एरर. अब वन साइडेड एरर में क्या होता है कि इसके अंदर आपकी जो एरर है वो एक जगह एक बैलेंस को इंपैक्ट कर रही है. दैट मीन्स या तो बैलेंस डेबिट बैलेंस को अफेक्ट करेगा या फिर आपके क्रेडिट बैलेंस को अफेक्ट करेगा. ठीक है, सो जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 2000. मतलब कि आपने परचेज बुक के अंदर कोई भी 2000 का कोई सामान आपने खरीदा होगा, लेकिन आप उसकी एंट्री जो है केवल परचेज में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं. ठीक है, सो हम परचेज अंडरकास्ट है बेटा, दैट मीन्स कम हो गया है, तो हमें और बढ़ाना होगा. दैट मीन्स परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, क्योंकि इसने बोला है केवल परचेज बुक के लिए. ठीक है, रोमोहन सोहन राम श्याम कैश कुछ भी नाम नहीं लिया है. सो हम केवल परचेज बुक के लिए ही ये चीज मान रहे हैं. सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी ट्रांजेक्शन है जो हमारी रिकॉर्ड हुई है वो क्या है, केवल परचेज में हुआ है. सो इसके लिए हम जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है उसके लिए यूज करेंगे अपना सस्पेंस अकाउंट. सो सस्पेंस अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस की जो है रिकॉर्डिंग शो कर देंगे रुपीज 2000 से. ठीक है, सो ये तो हमारे दो मेनली टॉपिक्स थे, टू साइडेड एरर और वन साइडेड एरर. और वन साइडेड एरर को कवर करने के लिए हम जो है सस्पेंस अकाउंट का जो है यूज करते हैं. ठीक है, अब अगर मैं आपके एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि परचेज. अब इसके अंदर क्या है बेटा, ये एक नई तरह के क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे मिस्टेक्स होती हैं. ठीक है, और उन मिस्टेक्स को कवर करने के लिए आप क्या क्या करते हैं. सो जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, आप तीन पार्टीशन जो है प्रिपेयर कर लेंगे अपनी,
और तीन पार्टीशन के अंदर क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो आप पार्टीशन में प्रिपेयर करेंगे रॉन्ग एंट्री, देन आप करेंगे करेक्ट एंट्री, एंड एट लास्ट आपका होगा बेटा रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ही है कि हमने परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है, हमने जो है गुड्स खरीदा है, कितने का खरीदा है बेटा, रुपीज 10,000 का। सो हमने 10,000 का अगर कोई भी गुड्स खरीदा है तो हमारी करेक्ट एंट्री तो होनी चाहिए थी फर्नीचर। जब भी हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो हमेशा उस एसेट का नेम मेंशन होता है, दैट मींस आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और क्योंकि आपके पास से कैश चला जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 10,000 से। हमारी एंट्री तो होनी चाहिए थी एक्चुअल में ये, लेकिन हमने गलती से परचेज अकाउंट को क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। दैट मींस हमसे गलती क्या हो गई, हमने परचेज अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया, और कैश अकाउंट हमारा बिल्कुल सही है रुपीज 10,000 से। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अपनी जो ये रॉन्ग एंट्री है ना, इसको रेक्टिफाई करना होगा, सही करना होगा। ठीक है, सो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं रॉन्ग एंट्री को करेक्ट एंट्री से। अब देखो बेटा, हमारी करेक्ट एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट है और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट है, दैट मींस ये बैलेंस तो हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल। क्यों, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट ये दोनों बिल्कुल सही हैं, सही होने भी चाहिए थे। अब एक्चुअल में हमारा डेबिट कौन होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट। सो हम क्या करेंगे, हम फर्नीचर अकाउंट को यहां पर जो है डेबिट कर लेंगे। ठीक है, सो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद आप रॉन्ग एंट्री की तरफ देखेंगे तो आपने परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट किया हुआ है। अब गलती से डेबिट किया तो अपनी गलती को सुधारेंगे, दैट मींस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन आ जाएगी बेटा रुपीज 10,000 से। सो बेटा ये आपका एक मेथड है जिसके अंदर आप आगे आने वाली अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कवर करेंगे। हमने आज की वीडियो में मेनली जो आपके मेथड्स हैं बेटा, इन मेथड्स को ही समझा है। ये मेथड्स आपकी मेनली हेल्प करेंगे, चाहे वो अमाउंट की मिस्टेक्स हो, चाहे वो आपकी डेबिट क्रेडिट की मिस्टेक्स हो। सो सभी तरह की मिस्टेक्स आपकी इसी मेथड से कवर होंगी। कैसे, कौन से मेथड से, सबसे पहले आप रॉन्ग एंट्री बनाएंगे, फिर उसकी करेक्शन एंट्री राइट डाउन करेंगे, देन उन दोनों को कंपेयर करने के बाद ही आप अपनी रेक्टिफाई एंट्री को कवर करेंगे। सो बेटा ये हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक था, जिसके अंदर मेनली हमने वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर एंड बोथ रेक्टिफाई एरर तीनों को ही अच्छे से पढ़ा है। सो स्टिल डाउट रहता है बेटा, जितने हो उसके पहले तो क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे बुक एक्सरसाइजेस के, एंड देन अगर फिर भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप बेटा मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे।